So hey guys, and how are you, and welcome to the channel of YouTubers of anime tuber. Yes guys, aaj फिर से कोलैबोरेशन वीडियो के साथ आज के दिन, तो तुम लोगों ने जो लोगों ने कई ज़्यादा लोगों ने इंतजार किया था, तो वो कोलैबोरेशन वीडियो आज की है। तो गाइस आज हमारे साथ है पोकेमॉन सुपर लोकारी ऑफ एनिम न्यूज एक्स एंड एनिम वर्ल्ड अड्डा। तो पहले बातचीत करेंगे वो है एनिम न्यूज एक्स की तरफ से। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एनिमे वर्ल्ड अड्डा, क्योंकि आज हम आए हैं एनिमे वर्ल्ड अड्डा के चैनल पर कोलैब करने के लिए। तो पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा एनिमे वर्ल्ड अड्डा को, और उसके साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं कि हम इंडियन कार्टून को एनिमे के लेवल तक कैसे लेके जा सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे वीडियो होने वाली है, और जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपने अगर हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और हाँ एनिमे वर्ल्ड अड्डा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो एनिमे वर्ल्ड अड्डा की। तो आप बात कर लेते हैं आपको, जैसे कि आपको पता ही होगा गाइस कि दुर्गा स्टूडियो जो एनिमे की तरह ही इंडियन कार्टून को बनाती है, तो आपको उनका यूट्यूब पर भी चैनल है, तो आपको सर्च करना है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे एनिमे वर्ल्ड अड्डा की, डाल देंगे कि और दुर्गा स्टूडियो का लिंक, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो कि कितने अच्छे अच्छे एनिमे की तरह ही कार्टून बनाती है दुर्गा स्टूडियो। तो आपको पता ही होगा, और आप उसको सपोर्ट ही नहीं करते हो, तो गाइस आप उन्हें जाओ और उनको जाकर सपोर्ट करो, और उन्हें देखो वीडियोस को, और कमेंट करो उनके वीडियो कि और चाहिए हमें, तो ऐसे ही वो सपोर्ट मिलेगा, और इंडिया में ऐसे ही ज़्यादा लेवल तक एनिमे लाने की कोशिश करेगा हर कोई। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जल्दी से जाओ और देखो, और आगे का बताएंगे एनिमे ट्यूबर भाई। सो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एनिमे ट्यूबर एनिमे वर्ल्ड अड्डा और सुपर लोकारियो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। सो हे गाइस, एंड हाउ आर यू, एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ यूट्यूबर्स ऑफ एनिमे वर्ल्ड अड्डा। एंड गाइस आज मैं बातचीत करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, हम लोग कैसे इंडियन कार्टून्स को एनिमे के जैसे डेवलप करने वाले हैं, एंड इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। एंड थैंक्स टू ऑल द एनिमे वर्ल्ड अड्डा पोकेमॉन फैंस, सभी लोगों, सॉरी पोकेमॉन एनिमे न्यूज़ सेक्शन है जैसे पोकेमॉन सुपर लोकारियो ब्रो। एंड गाइस पहले तो हम लोग जो उसके रीजंस के बारे में जाते हैं, वो एक स्टोरी लाइन सही नहीं होता है, एंड लॉजिक पेस ढंग से नहीं होता है, रिपीटेड सीन्स होते हैं, एंड ग्राफिक्स, ये सब जो देख पा रहे हो ये सब इंडियन एनिमे कार्टून के अंदर देखने को मिलता है। पर गाइस आप लोगों ने एक और जरूर बात, इसे हम लोग कैसे भी करके रिपेयर कर लेंगे, पर आप लोगों से कई ज़्यादा मन एक ही करते हुए एनिम फैंस जो है सपोर्ट ही नहीं करते हो। तो अभी तो भाई एक आया था मयूर एकेडमी के अंदर, तुम लोगों ने कैसे भी करके इस मूवी को लेकर आ गए हो इंडिया के, पर गाइस अपने इंडियन के बारे में सोचो भाई, सिर्फ तुम लोग एनिम के बारे में सोच रहे हो, इंडिया के एनिम के बारे में क्या सोच रहे हो भाई। कर्मचारी जो आया था अभी तो दुर्गा स्टूडियो के अंदर, तुम लोग को भाई सपोर्ट ही नहीं किया था, उस सपोर्ट ही नहीं मिला था भाई, तुम लोग सिर्फ जैसे आउट ऑफ कंट्री के कार्टून से सपोर्ट करते हो भाई, क्या करें भाई। इसीलिए कर्मचारी अभी इतना अच्छे नहीं पा रहा, पर वो भी अभी कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लो भाई। तो अभी जो तुम लोग एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा भीम तो पता ही होगा, छोटा भीम की एक न्यू मूवी आई थी ना, जैसे अभी एक ही आया था ना आपको छोटा भीम द मूवी कुंफू का धमाका, ऐसा एक मूवी आया था गाइस। तो तुम जब उन दोनों को रखकर देखो, पहला जो छोटा भीम है उस मूवी का देखो, ग्राफिक्स क्या धमाकेदार आए हैं, तो समझ सकते हो ना भाई इंडियन एनिमेशन जो है डेवलप हो रहा है, तुम लोग सिर्फ उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, वो सपोर्ट से मेन काम होता है, तो समझ लो गाइस। एंड मैं नहीं बता रहा भाई, मैं एनिम को मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, एंड एनिम यूट्यूबर्स को भी मैं यूट्यूब इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, देखो भाई एंजॉय करो एनिम आप लोग के लिए बनाया है, एंड कार्टून को भी देखो, इंडियन कार्टून्स को भी देखो। एंड मैं नहीं बता रहा भाई मोटो पॉपुलेशन है भाई, होता है सिर्फ एक लो स्टेज से हम लोग जो अपर स्टेज पर जाते हैं, तुम लोग समझ लो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही मैं बताने वाला हूँ, तो गाइस अब बात करने वाले हैं वो है आप लोगों से पोकेमॉन सुपर लोकारियो। ऑलराइट, सो हे गाइस, मैं हूँ पोकेमॉन सुपर लोकारियो, और आज मैं आया हूँ एनिमे ट्यूबर के चैनल पर। सो गाइस हम लोग सिर्फ एनिमे को सपोर्ट करते रहते हैं, सिर्फ हम लोगों को सिर्फ एनिमे ही चाहिए, हम एनिमे के ऊपर ही कैंपिंग करते रहते, लेकिन हमें इंडियन कार्टून्स के लिए भी कैंपिंग करना चाहिए। अब तुम लोग मुझे बोलोगे इंडियन कार्टून्स के लिए क्यों, वो तो बेकार का होता है। सो गाइस इंडियन कार्टून्स को हम कुछ अलग ही कैंपिंग कर सकते हैं, मतलब हम चैनल वालों को बोल सकते कि हमें इंडियन कार्टून चाहिए, वो भी अच्छे एनिमेशन और अच्छे स्टोरी लाइन ग्राफिक्स के साथ। सो हमें सिर्फ इंडियन कार्टून इसलिए पसंद नहीं आते क्योंकि वो सिर्फ बच्चों के लिए और सिर्फ बेकार के स्टोरी लाइन और एनिमेशन अच्छे नहीं होते, इसलिए हम देखते नहीं। अगर हम बड़ों के लिए भी ये कार्टून बनाने के लिए कहे
या फिर ग्राफिक स्टोरी लाइन बदलने के लिए कहे या फिर अच्छा सा शो इंडियन का ही लाने के लिए कहे। तो हम इंडियन कार्टून्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि गाइज हम एनिमे को बाहर के कार्टून्स को ही सपोर्ट करते हैं। हम इंडिया में रहते हैं और हम किसी और देश के कार्टून्स को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा अच्छी बात नहीं है। सो हमें अपने इंडियन, हम इंडिया में पैदा हुए, हम इंडियंस हैं और हमें इंडियन कार्टून्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। हमें सिर्फ एनिमे देखने के लिए ही कैंपिंग नहीं करना है, कुछ और अलग चीज़ के लिए भी करना चाहिए। और अब मैं चलता हूँ और एनिमे ट्यूबर को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पर बुलाया। और मैं चलता हूँ, सो इन एनिमे ट्यूबर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे, क्योंकि मैं ऑसम एंड अमेजिंग एनिमे और कार्टून्स की न्यूज़ एंड अपडेट्स देता रहता हूँ। तो मैं चलता हूँ गाइज, एंड गुड बाय गाइज। तो यार देखो, अब तक तो यार आप लोग समझ ही गए होंगे कि यार इंडिया में भी इंडियन एनिमेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग को सिर्फ बाहरी एनिमेशन को देखना नहीं है, हमें इंडिया में भी एनिमे को बनाना है। तो हाँ यार, और इसके लिए कर्म चक्रा जैसे एनिमे को सपोर्ट दिखाना ज़रूरी है। और सही था यार, कार्टून नेटवर्क और काफ़ी सारे चैनल्स ये चाहते हैं कि वो इंडिया में सिर्फ इंडियन कार्टून्स ही को दिखाएं। तो यार हम उनसे ये तो डिमांड कर सकते हैं कि यार ऐसे बकवास कार्टून्स मत दिखाओ। इसलिए मैंने एक हैशटैग चलाया है, हैशटैग इंडिया वांट्स कार्टून लाइक एनिमे। तो हाँ यार, और ये सारे चैनल्स उस पर जाकर यार मैसेज करो ताकि यार हमें इंडिया में भी जैपनीज जैसा एनिमेशन देखने को मिले। तो हाँ यार, और हमें यहाँ पे भी यार मैच्योर ऑडियंस के लिए भी एनिमेशन देखने को मिले। तो हाँ यार, जिससे यार यहाँ की भी एनिमेशन बेहतरीन होगी। और हाँ यार, अगर आप ऐसे कंटेंट चाहते हो तो यार एनिमे ट्यूबर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और हाँ, पोकेमॉन सुपर लुकारी और एनिमे न्यूज़रेक्स के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, बाय गाइस, टिल नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर और बाय।